बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 के 5 क्वेश्चंस पढ़ लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कौन से हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से अपनी लाइट एमिट करते हैं उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सोलर सिस्टम में हमने स्टार्स की डेफिनेशन भी यही पढ़ी है, और हमने ये भी पढ़ा था कि सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। तो सन और स्टार्स ये दोनों जो हैं सोलर सिस्टम में सेल्फ इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, व्हाट इज अ सेटेलाइट। सेटेलाइट क्या है? अ सेटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अ बिगर मैस। सेटेलाइट कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी बड़े मैस के गिर्द, बड़ी चीज़ के गिर्द गर्दिश करता है, सेटेलाइट कहलाता है। द मून इज द नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। चांद हमारी ज़मीन का, अर्थ प्लैनेट का नेचुरल कुदरती सेटेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर द साइजेस ऑफ अर्थ सन एंड मून। ये हमने रीडिंग में पढ़े थे, डायमीटर ऑफ सन इज़ 1.4 मिलियन किलोमीटर, डायमीटर ऑफ मून इज़ 3,476 किलोमीटर, डायमीटर ऑफ अर्थ इज़ 12,756 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन व्हाई द सन बियर्स प्राइम इम्पोर्टेंस इन सोलर सिस्टम। के सूरज की हमारे सोलर सिस्टम में प्राइम इम्पोर्टेंस क्यों है, बहुत ज़्यादा अहमियत क्यों है। इसका आंसर है, आवर सन इज़ मीडियम साइज स्टार एमिटिंग हीट एंड लाइट। सूरज एक दरमियाने साइज़ का सितारा है जो कि हीट और लाइट खारिज करता है। द डायमीटर ऑफ सन इज़ 1.4 मिलियन किलोमीटर, इट इज़ वेरी बिग एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ये अर्थ प्लैनेट से साइज़ में बहुत बड़ा है। द टेम्परेचर ऑफ आउटर सर्फेस इज़ 55,000 डिग्री सेंटीग्रेड। सन की दो सर्फेसेज होती हैं, एक आउटर सर्फेस होती है और एक इनर सर्फेस होती है। आउटर सर्फेस का टेम्परेचर 55,000 होता है, और द टेम्परेचर ऑफ सेंट्रल कोर इज़ 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। जो सेंट्रल वाला सर्फेस होती है उसको कोर कहते हैं। सेंट्रल जो कोर है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द सन इज़ कम्पोज ऑफ 75% हाइड्रोजन एंड 25% हीलियम गैस। सूरज बुनियादी तौर पर इसके अंदर दो गैसेज होती हैं, 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमने रीडिंग में पढ़ा था, वीनस इज़ वेरी सिमिलर टू अर्थ इन साइज, वाई इज़ इट अनलाइकली टू सपोर्ट लाइफ। के वीनस प्लैनेट साइज़ में अर्थ प्लैनेट जैसा ही है, लेकिन ये क्यों लाइफ को सपोर्ट नहीं करता। इसका आंसर है, बिकॉज इट्स एटमॉस्फियर मेनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच ट्रैप्स द हीट एंड मेक्स इट्स मोर हॉटर। क्योंकि इसके एटमॉस्फियर में, इसकी हवा के अंदर ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा हो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और किसी जगह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हीट को ट्रैप कर लेती है, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स। स्टार्स और प्लैनेट्स का डिफरेंस बताना है। सबसे पहला डिफरेंस है, स्टार्स आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, कि स्टार्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो खुद से लाइट एमिट कर सकते हैं। एंड प्लैनेट्स आर नॉट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और प्लैनेट्स जो हैं वो ल्यूमिनस नहीं हैं क्योंकि वो अपनी लाइट एमिट नहीं करते। सेकेंड डिफरेंस है, दे हैव हाई टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर, दर्जा हरारत इनका बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। और प्लैनेट्स का है, दे डू नॉट हैव हाई टेम्परेचर, इनका दर्जा हरारत ज़्यादा नहीं होता। तो आज हमने चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं।
तो आपके ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आपने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस पढ़े थे वो और आज वाले सारे क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट करने हैं। अल्लाह हाफिज़।